कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली तेरी हर सीख निराली है। 8 मार्च यानि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आज के दिन शासकीय और गैर शासकीय बहुत से आयोजन नगर में हुए, जिनमें महिला शक्ति को केंद्रित करते हुए महिलाओं को ही सहभागी बनाया गया। महात्मा गांधी स्टेडियम में कलेक्टर एकादश एवं एसपी एकादश के बीच एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इसमें एसपी एकादश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कलेक्टर एकादश ने मैदान में नींव सजाई और एसपी एकादश की बल्लेबाज मैदान पर हाथ आजमाने उतरी। कलेक्टर एकादश की कमजोर गेंदबाजी का फायदा उठाते हुए एसपी एकादश के बल्लेबाजों ने जमकर बाउंड्री मारी। जब इनके कोई भी विकेट नहीं गिरे तो 2 बल्लेबाजों को रिटायर कर दूसरे बल्लेबाजों को बैटिंग करने का मौका प्रदान किया गया। बाद में बैटिंग करने आई राखी बघेल ने आते ही चौकों और छक्कों की बरसात कर दी और देखते ही देखते निर्धारित 8 ओवर में एसपी एकादश ने 89 रन बना डाले। अब 90 रनों का लक्ष्य लेकर कलेक्टर एकादश की टीम बल्लेबाजी करने मैदान में आई। कलेक्टर एकादश की कप्तान करुणा मस्कुरे ने प्रारंभ से ही अपने हाथ दिखाने प्रारंभ कर दिए और लगातार बेहतरीन शॉट मारते हुए अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाने लगी। देखते ही देखते 6 ओवर में ही उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और अगले ही ओवर में चौका मारकर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। मैच के बाद बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। मैन ऑफ द मैच का खिताब कलेक्टर एकादश की कैप्टन करुणा मर्सकोले को दिया गया, जबकि राइजिंग प्लेयर का खिताब एसपी एकादश की राखी बघेल को मिला। एसपी एकादश की कैप्टन एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी ने अपने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मैच का शुभारंभ भी महिला अतिथियों के द्वारा ही कराया गया, जिसमें अपने अपने क्षेत्र की महान महिला विभूतियों को आमंत्रित किया गया था। महिला दिवस के इस मौके पर हुए इस क्रिकेट मैच ने उस मैच की याद ताज़ा कर दी जो सेमर खापा के मैदान में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा खेला गया था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि महिलाओं ने यह मैच साड़ी पहनकर खेला और जिस उत्साह एवं तकनीक से यह मैच खेला गया उसने इन यादों को हमेशा के लिए जीवंत कर दिया। इस मैच को आयोजित कराने के पीछे सोच यही थी कि महिलाएं ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ना कर सकती हो। महिलाओं को जोड़े और महिलाओं को जोड़ते जोड़ते हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो घर से बाहर निकल के हमने महिलाओं को तैयार करके और फिर क्रिकेट की एक टीम बनाई कि हम में भी वो जज्बा है जो हम कुछ कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने सेमर खापा में क्रिकेट की टीम बना के क्रिकेट भी खेला और मंडला जिले का नाम रोशन किया है कि मंडला जिला की महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। पहली बार हुआ कि साड़ी पहन के गांव की महिलाएं क्रिकेट खेल रही थी, ये सब विचार बैठ के कैसे आया आप लोगों के दिमाग में? हमें तो यही लगता है कि मन में सबसे पहले आया है कि ऐसा कौन सा काम है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। हर काम तो पुरुष करते ही करते हैं, लेकिन यदि महिलाएं कुछ अलग से हटके काम करेंगी तो महिलाओं में एक नया उत्साह परिवर्तन होगा कि हाँ भाई हम कुछ कर सकते हैं। और क्रिकेट को हम लोगों ने इसलिए ही चुना है क्योंकि क्रिकेट जो है महिलाओं को लगता है कि हम शायद नहीं खेल पाएंगे। हम लोगों ने महिलाओं से मिले फिर उनसे बोला कि नहीं हम खेलेंगे तो हम क्रिकेट ही खेलेंगे ताकि एक नया इतिहास कायम हो कि महिलाएं साड़ी पहन करके और फिर क्रिकेट भी खेल सकती हैं। इस आयोजन के लिए ग्राम की ही समाज सेवी महिलाओं ने नगर की समाज सेवी शशि पटेल के सहयोग से इस विचार को जीवन स्वरूप प्रदान किया था।